भारतीय जनता पार्टी ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी और उससे पहले इसका नाम जनसंघ था, जिसका 1977 में जनता पार्टी में विलय हो गया और इसी क्रम में पीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने इस पार्टी को खड़ा करने बढ़ाने में अपना खून दिया, मैं उन महानुभावों को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। साथ ही हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी का जीवन आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देता है। पीएम ने कहा कि बजरंग बली का नाम चारों ओर गूंज रहा है। हनुमान इन शक्तियों का इस्तेमाल वो तभी कर पाते जब स्वयं पर से उनका संदेह समाप्त होता। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले भारत की भी यही स्थिति थी, लेकिन आज भारत उस बजरंग बली की तरह, महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का अभ्यास कर चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि समुद्र जैसी महान शक्तियों का मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। हनुमान जी अपने लिए कुछ नहीं करते थे, सब कुछ दूसरों के लिए करते थे। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो बहुत ज्यादा कठोर हो गए थे। पीएम ने कहा कि भारत में कानून और भ्रष्टाचार की बात आती है तो बीजेपी उतनी कठोर हो जाती है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र नहीं कर सकते। बीजेपी भी इसी प्रेरणा से लोगों की समस्याओं का हल करने में लगी है। बीजेपी ने देश भर में धूमधाम से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। हरियाणा में भी स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पार्टी मुख्यालय में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी का झंडा फहराया। सीएम ने सभा कार्यकर्ताओं को बधाई दी और संगठन की मजबूती के लिए काम करने की अपील की। सीएम ने बीजेपी को राष्ट्रहितों के लिए समर्पित पार्टी करार दिया और प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनकी मौत के बाद सियासी जगत में शोक की लहर देखी गई। हालांकि गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से चिंता का विषय बन रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 5,335 नए मामले दर्ज किए गए। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। कोरोना का ये आंकड़ा कल से 20% ज्यादा है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि केस तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में दर्ज होने वाला ये आंकड़ा पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 6 लोगों ने दम तोड़ा। वहीं इन नए मामलों के दर्ज होने के बाद देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 25,587 हो गई। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कोरोना के 24 नए केस सामने आए और वहीं 15 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में अभी तक कोरोना के 48 एक्टिव केसों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। अंबाला के प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई गई और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। सबसे पहले भगवान को चोला चढ़ाया गया, जिसके बाद उनका श्रृंगार किया। देशभर में हनुमान जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। बुलंदशहर में भी हनुमान जयंती को लेकर खासा उत्साह देखा गया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। सभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया गया। दिल्ली में भी हनुमान जयंती को लेकर खासा उत्साह देखा गया। जहांगीरपुरी में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस मुस्तैद दिखी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। पिछले साल हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, इसको देखते हुए पुलिस खास तौर पर सतर्क रही। देशभर में हनुमान जयंती महोत्सव की धूम देखने को मिली और हनुमान मंदिरों पर विशेष तैयारियां की गई। शहर के बड़े सभी मंदिर पर सुरक्षा बढ़ाई गई और सुरक्षा इंतजामों को लेकर मॉनिटरिंग की गई। टीकमगढ़ के मंदिरों में हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। सामूहिक सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हुआ और हनुमान जी महाराज को 56 प्रसाद का भोग लगाया गया।
उत्तरकाशी में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इस मौके पर हनुमान मंदिर में एक विशाल हनुमान ध्वजारोहण किया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंदू नेता कपिल मिश्रा पहुंचे। शोभा यात्रा हनुमान जन्मोत्सव के दौरान भक्तों में उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर हजारों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन के लोग शामिल हुए। गुरुग्राम के बोडसे में बूथ स्तर पर बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया, जिसमें सोहना के बीजेपी विधायक संजय सिंह पहुंचे, जिनका यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी के 44 साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली की बंगाली मार्केट में पहुंचे, जहां जेपी नड्डा ने वॉल राइटिंग कैंपेन की शुरुआत की। दीवार पर पार्टी का चिन्ह कमल बनाया। उसके साथ ही यहां पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड के सहकारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत नैनबाग पहुंचे, जहां श्रीकोट बाजार में उन्होंने जिला सहकारी बैंक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि टिहरी जिले में सहकारी बैंक की शाखाओं ने बेहतर प्रदर्शन किया। धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारी बैंकों से जिले के किसानों को फायदा मिल रहा है, और उसके बाद रावत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश के सहकारी बैंकों की उपलब्धियों का जिक्र किया गया। अमरोहा में जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने सामुदायिक अस्पताल में दीदी प्रेरणा कैंटीन का उद्घाटन किया। कैंटीन का संचालन जय लक्ष्मी समूह की ओर से किया जा रहा है। उद्घाटन के मौके पर डीएम ने समूह की महिलाओं को शुभकामनाएं दी। दिल्ली में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। पुलिस ने 28 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मौके से 22 लैपटॉप, 20 कंप्यूटर, 55 मोबाइल और 40,000 रुपए कैश मिले। उत्तराखंड में बीजेपी का स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र भट्ट समेत बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। उत्तराखंड कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के बीच घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रीतम सिंह ने बिना नाम लिए देवेंद्र यादव और करण महारा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पार्टी में जब दायित्व मिलता है तो उस दायित्व का निर्वहन जरूरी करना होता है। बेमौसम वर्षा से कुमाऊं मंडल से किसानों के फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की, लिहाजा शासन प्रशासन की तरफ से अब फसलों के नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। जोशीमठ के संजीवनी शिखर औली में हनुमान जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। यहां भक्तों ने अखंड रामायण का पाठ किया। यहां पर हनुमान जी का पौराणिक मंदिर है। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन भी अडानी मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों ने संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। जेपीसी की मांग समेत दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों ने सांसदों ने तिरंगा मार्च निकाला। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बन रहे एलिवेटेड रोड के प्रगति कार्य का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने कार्य प्रगति की जानकारी ली। खजूर चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। नौशहरा में बीजेपी ने धूमधाम से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। बीजेपी जिला अध्यक्ष नीना शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नौशहरा में पार्टी का झंडा फहराया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। नवी मुंबई में महानगर पालिका ने फ्लाईओवर के नीचे की खाली जगह का बखूबी इस्तेमाल किया। महानगर पालिका ने फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया। ग्वालियर में नशे में धुत दो पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दोनों नशेड़ी पुलिसकर्मी होटल संचालक से अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं, जिसके बाद एसएसपी ने दोनों आरक्षकों को निलंबित किया। अंबेडकर नगर में एडीएम ने आधा दर्जन अधिकारियों के साथ संयुक्त जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में हड़कंप मच गया। निरीक्षण में दो चिकित्सक मिले और वहीं अनुपस्थित दोनों चिकित्सकों को नोटिस जारी किया गया। बांदा में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते किसान की खेतों में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। कैथल बार एसोसिएशन में वकीलों ने वक्त सस्पेंड करते हुए एडवोकेट
प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के बारे में पत्रकारों से बातचीत की। वकीलों की मुख्य मांग है कि हरियाणा में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का लक्सर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लोगों से संवाद किया। जालौन में सरकारी संपत्ति को नष्ट कर उसे बेचने का मामला सामने आया। कई लोगों की मिलीभगत से पुल निर्माण में लगी लिफ्टर मशीन के टुकड़े टुकड़े करके उसे बेच दिया गया। उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। बोकारो उपायुक्त के निर्देश पर तेनुघाट उपकारा में छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान उपकारा के सभी वार्ड की तलाशी ली गई, जहां किसी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान नहीं हुआ। वाशिम में अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय महिलाएं आक्रोशित नजर आई। महिलाओं का आरोप है कि विवेकानंद कॉलोनी में खुली जगह पर अतिक्रमण किया गया। महिलाओं ने नगर पालिका परिषद का घेराव करके प्रदर्शन किया, अतिक्रमण हटवाने की मांग की। अवैध कॉलोनी पर मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। बसपा नेता और अवैध कॉलोनाइजर द्वारा सिंह प्रजापति की कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। बिजनौर के चांदपुर में एक व्यक्ति ने पैसों के लेन देन को लेकर अपने ही दोस्त की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक के परिजन ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जबकि दो आरोपी फरार हो गए। सीधी की चुरहट थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पैसों के लेन देन के विवाद में व्यक्ति की हत्या की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। छतरपुर पुलिस ने हथियारों की सप्लाई करने वाले एक बर्खास्त पुलिस आरक्षक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मारपीट के दौरान कार से भारी मात्रा में अवैध कट्टे समेत कारतूस बरामद किए, लेकिन मौके से तीन आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गए। हथियारों की सप्लाई करने वाला गैंग। अलीगढ़ के जिला कारागार में नगर निगम द्वारा हेल्थ एटीएम लगाया गया। इसका उद्घाटन विधायक मुक्ता संजीव राजा और कोल विधायक ने फीता काटकर किया। वहीं इस हेल्थ एटीएम में बंदियों को 53 प्रकार की जांचों की लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहेरिया ने आरंग नगर निगम के नए भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि गांव हो या फिर शहर, प्रदेश के विकास के लिए सरकार काम कर रही है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पचवादूर क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकास नगर में विधायक आवास पर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने झंडारोहण किया। बहराइच के सुजौली इलाके में आदमखोर तेंदुए ने जमकर आतंक मचाया। घनघोर जंगलों से निकला तेंदुआ मंगलपुरवा चहलवा गांव में पहुंच गया। घनी आबादी के बीच पहुंचे तेंदुए ने महिला पर हमला किया। गौशालाओं की हकीकत जानने के लिए अपर आयुक्त अटल कुमार राय रायबरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई गौशालाओं का निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि अगले 3 दिनों तक जिले की सभी गौशालाओं का निरीक्षण करके शासन को रिपोर्ट भेजनी है। झांसी के मोर तहसील क्षेत्र में मकान में आग लगने से मासूम बच्ची की जलकर मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। हापुड़ में पुलिस ने महिलाओं के साथ लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरे समेत ज्वेलर्स को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले आरोपी ने वृद्ध महिला से तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला बहादुरगढ़ क्षेत्र का। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण पुलिस ने 10,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध असलाह और चोरी की बाइक बरामद की। गोहाना के राजकीय महिला महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं का रिजल्ट खराब आने से छात्राओं ने प्रदर्शन किया और इन छात्राओं का कहना है कि ज्योग्राफी इंग्लिश हिंदी समेत कई पेपर में री दी हुई और इसी क्लास में 36 छात्र हैं और सभी की री आई हुई। बोकारो में 11,000 वोल्ट के विद्युत तार की चपेट में आने से किशोर की मौत। घटना के बाद परिजनों में कोहराम। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। अयोध्या के लिए अकोला ट्रेन की शुरुआत को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया।
बोकारो के बलीडीह थाना क्षेत्र में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और टोल प्लाजा पर घंटों जाम लगाया। इसी दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। हजारीबाग के बरही तिलैया रोड पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार और बोलेरो की टक्कर हो गई। हादसे में एक मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। पूर्व दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने स्ट्रेचर्स को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी के 22 मोबाइल फोन बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी। पटियाला पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शूटर को 2 पिस्टल और गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया। एसएसपी वरुण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पटियाला के पंजाबी यूनिवर्सिटी में कबड्डी खिलाड़ी भिंडा की गोली मारकर हत्या की। मुख्य आरोपी को पटियाला पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत के बाद पकड़ा गया। गुरुग्राम में शादी.com के माध्यम से युवतियों को ठगने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। नाइजीरियन युवक को पुलिस ने 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। अपने फेसबुक पर दोस्ती करके महंगे गिफ्ट भेजने के नाम पर ठगी करते थे। अब तक कई युवतियों को शिकार बना चुके पुलिस आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी। नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस ने टायर चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 लोग गिरफ्तार किए, जो पुलिस के लिए नासूर बना हुआ था। पुलिस सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। कॉर्बेट प्रशासन ने रेप्टर प्रजाति के जीवों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया। इस अभियान के तहत गिद्ध, चील, बाज, फाल्कन आदि शिकारी पक्षियों की गणना की जाएगी।